लो फारो में आपका स्वागत है। आज हम ई कॉमर्स B2B के बारे में जानेंगे, बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग का एक परिचय। अगर यह हमारे चैनल पर आपका पहला वीडियो नहीं है तो ऐसा लगता है कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाकर हमारा समर्थन करें। ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों का उपयोग करके वस्तुओं या सेवाओं की खरीद और बिक्री है। 1990 के दशक में ऑनलाइन खरीदारी के उदय के साथ ई कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के साथ समान रूप से लोकप्रिय हो गया, क्योंकि इसने दुकानों में खरीदारी की तुलना में अधिक सुविधाजनक खरीदारी की अनुमति दी। ई कॉमर्स यही नहीं रुका, यह समय के साथ कंपनियों के बीच व्यापार से व्यवसाय B2B लेनदेन और व्यक्तियों के बीच उपभोक्ता से उपभोक्ता C2C लेनदेन को शामिल करने के लिए विकसित हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग के क्या फायदे हैं? बिजनेस टू बिजनेस B2B ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बाजार तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक कंपनियां अपने परिचालन को कारगर बनाने और लागत कम करने की कोशिश कर रही हैं। B2B ऑनलाइन शॉपिंग के कई लाभ हैं, जिसमें नए आपूर्तिकर्ताओं को जल्दी और आसानी से खोजने की क्षमता, कई विक्रेताओं से कीमतों की तुलना करना और कार्यालय छोड़ने के बिना खरीदारी करना शामिल है। इसके अलावा B2B ऑनलाइन शॉपिंग आपको आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध बनाने में मदद कर सकती है, जिससे भविष्य में बेहतर नियम और शर्तें बन सकती हैं। ऑनलाइन स्टोर कैसे काम करते हैं? बाजार में व्यवसाय अन्य कंपनियों को उत्पाद और सेवाएं खरीद और बेच सकते हैं। इस प्रकार के ई कॉमर्स को बिजनेस टू बिजनेस B2B ई कॉमर्स कहा जाता है। B2B बाजार में कंपनियां दुनिया भर के अन्य व्यवसायों से अपनी जरूरत के उत्पाद और सेवाएं पा सकती हैं। अधिकांश B2B मार्केट प्लेस ऑनलाइन निर्देशिकाओं की तरह काम करते हैं, जहां कंपनियां अपनी जरूरत के उत्पादों और सेवाओं की खोज कर सकती हैं। हम ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं? ऑनलाइन बेचने के कुछ अलग तरीके हैं। सबसे आम एक वेबसाइट लो फारो शॉप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से है। आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बिक्री कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर है जो व्यवसायों को उनके ऑनलाइन स्टोर का प्रबंधन करने में मदद करता है। ऑनलाइन बेचने के लिए आपके पास एक उत्पाद या सेवा होनी चाहिए जिसे लोग खरीदना चाहते हैं। आपको भुगतान लेने और आदेशों को पूरा करने का एक तरीका भी होना चाहिए, या लो फारो शॉप पर बस साइन अप करना होगा। यह ऑफलाइन बिक्री से किस प्रकार भिन्न है? जब आप सामान या सेवाओं को ऑनलाइन बेचते हैं, तो कुछ प्रमुख तरीके हैं जिनसे आपका व्यवसाय मॉडल पारंपरिक ईट और मोटा स्टोर से भिन्न हो सकता है। एक के लिए आपके पास ऑनलाइन स्टोर चलाने से जुड़ी कम ओवरहेड लागतें होंगी। इसके अतिरिक्त ग्राहक दुनिया में कहीं से भी खरीदारी कर सकते हैं, जो आपको एक बड़ा संभावित ग्राहक आधार प्रदान करता है। और अंत में ग्राहक व्यक्तिगत रूप से खरीदारी करते समय एक अलग स्तर की सेवा की अपेक्षा करते हैं। वे अक्सर तेज शिपिंग और अधिक सुविधाजनक वापसी नीतियों की तलाश में रहते हैं। वितरण विकल्प डिलीवरी ऑप्शंस। बिजनेस टू बिजनेस B2B ई कॉमर्स की दुनिया में खरीदारों और विक्रेताओं के लिए कई अलग अलग प्रकार के डिलीवरी विकल्प उपलब्ध हैं। B2B ई कॉमर्स में उपयोग की जाने वाली सबसे आम डिलीवरी विधियां प्रत्यक्ष शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग और माल है, लेकिन लो फारो एंड टू एंड काम करता है। भेजने का खर्च शिपिंग कॉस्ट्स। ई कॉमर्स व्यवसाय की सफलता में शिपिंग की लागत सबसे आवश्यक कारकों में से एक है। यदि आपकी शिपिंग लागत बहुत अधिक है तो आप ग्राहकों को खो देंगे, लेकिन अगर आपकी शिपिंग लागत बहुत कम है तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार की शिपिंग लागतों पर एक नज़र है और उन्हें नियंत्रण में कैसे रखा जाए। लो फारो शॉप में 40 से अधिक शिपिंग पार्टनर हैं, ताकि आपके ग्राहक चुन सके कि उन्हें कौन सा चाहिए।
सामान्य प्रकार के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। बिजनेस टू बिजनेस बी टू बी ई कॉमर्स की दुनिया में तीन प्राथमिक प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं। ये मार्केटप्लेस, वर्टिकल और प्राइवेट एक्सचेंज हैं। अपने ग्राहकों को बेहतर तरीके से जानना। एक सफल ई कॉमर्स व्यवसाय चलाने के लिए आपको यह जानना होगा कि आपके ग्राहक कौन हैं और वे क्या चाहते हैं। अपने ग्राहक आधार को समझकर आप एक मार्केटिंग रणनीति बना सकते हैं जो उन तक पहुंचेगी जहां वे हैं और उन्हें आपसे खरीदने के लिए मनाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।